एवरीवन, वेलकम टू इजी इन स्कोरिंग। मैं छाया आपको सिखाने वाली हूँ मैप पॉइंटिंग, जो आईसीएसई सिलेबस पर बेस्ड है और यह स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए है। यह है मैप जो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ ही मिलेगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करना होगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट इट फॉर प्रैक्टिस, आप काउंसिल के वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसमें से आप मैप ले सकते हो और उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं अपने वीडियो सीरीज़ में रिवर्स, माउंटेन्स, वाटर बॉडी सभी कुछ सिखाने वाली हूँ, बट इस वीडियो में मैं रिवर्स सिखा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रिवर्स में आपको 24 रिवर्स ही मार्क करने हैं, जो आप ब्लू कलर पेंसिल से मार्क करोगे। सबसे नॉर्थ में है रिवर इंडस, वो यहाँ से शुरू होती है, ऐसे इंडिया में फ्लो करते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है, देन ये साउथ की ओर बढ़ने लगती है और ऐसे यहाँ डेल्टा बनाते हुए इट फॉल्स इनटू अरबियन सी। आप लेबलिंग यही करोगे, नंबर 1 इंडस। नंबर 2 है रिवर झेलम, जो यहाँ से शुरू होती है, ऐसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान की ओर बहती है। दिस इज सोर्स और यहाँ तक ही उसका लेंथ है। आप एरो देके नंबर 2 झेलम लिख सकते हो। थर्ड 1 इज रिवर चेनाब, जो यहाँ से शुरू होती है, दिस इज़ द मेन रिवर आफ्टर इंडस और ये ऐसे बहते हुए इंडस में मिलती है, इसलिए मैं अलग कलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। झेलम जो है चिनाब का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। नंबर 3 चिनाब। फोर्थ 1 इज रिवर रावी, यहाँ से शुरू होके यह चेनाब में मिलती है, दिस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर चेनाब एंड रावी। नंबर 4 रावी। फिफ्थ 1 इज रिवर सतलुज, देखिए यहाँ से शुरू होती है, तिब्बत प्लेटू से इंडिया की ओर बहते हुए पाकिस्तान की ओर जाती है और फिर चेनाब में मिलते हुए इंडस में मिल जाती है। नंबर 5 सतलुज। सिक्स्थ 1 इज रिवर बीस, वो यहाँ से शुरू होती है, ये बॉर्डर से होते हुए इंडिया की ओर बहती है और इंडिया में ही सतलुज में मिल जाती है, ये यहाँ से यहाँ उसका लेंथ है। दिस इज नंबर 6 बीस। ये सारे हो गए इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज। अब सीखते हैं रिवर गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज, जो गंगा प्लेन्स में बहते हैं। सबसे पहले रिवर यमुना, जो यहाँ से शुरू होती है, ऐसे यहाँ बहते हुए इलाहाबाद में गंगा रिवर से मिल जाती है, दिस इज नंबर 7 यमुना। यमुना के बाद है रिवर गंगा, विच इज द मेन रिवर ऑफ इंडिया, मैं इसे अलग कलर से दिखा रही हूँ। आप एग्जाम में पेंसिल कलर ही यूज करोगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। मैं यहाँ स्केच दिखा रही हूँ बिकॉज क्लियर रहेगा मैप। फुल कोर्स आप शेड करोगे, नहीं तो बच्चों को मार्क्स नहीं मिलेगा। ये है नंबर 8 गंगा। This is
गंगा रिवर। आफ्टर गंगा नेक्स्ट वन इज गोमती। यहाँ पे देखिए उसके बगल ब्लू लाइन आप मार्क करोगे। नंबर 9 गोमती। आफ्टर गोमती टू ब्रांचेस है यहाँ पर, ऐसे एक ऐसे, ये दोनों मिल करके आगे बह रही है और यह कहलाती है घाघरा रिवर, घाघरा। नंबर 10 घाघरा। आफ्टर घाघरा द नेक्स्ट वन इज रिवर गंडक। ये यहां से ऐसे ऐसे बहती है। एरो देके आप लगाओगे गंडक। गंडक के बगल है एल शेप में दिस इज नंबर 12 कोसी। तो ये हो गए गंगा की ट्रिब्यूटरीज जो नॉर्थ से आ रहे हैं, हिमालय से आके गंगा में मिल रहे हैं। कुछ रिवर्स साउथ से भी आकर यमुना और गंगा में मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज चंबल, यहाँ से बिंदिया से निकल करके बहती है, नॉर्थ की तरफ जाती है और यमुना में मिलती है। ये यमुना लाइट कलर है यमुना, डार्क वन इज रिवर चंबल। नंबर 13 चंबल। द नेक्स्ट वन इज नंबर 14 इज बेटवा, विच इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। लाइट कलर है यमुना, दिस डार्क वन इज बेटवा। नंबर 14 बेटवा रिवर। आफ्टर बेटवा सोन इज देयर, सोन इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। देखिए रिवर गंगा मैंने डार्क कलर से दिखाया है और ये लाइट वाली जो रिवर है यह है सोन जो जुड़ती है रिवर गंगा से। यह है नंबर 15 सोन। एक रिवर छोटा नागपुर प्लेटो से भी निकल के गंगा में मिलती है दिस वन, यह है रिवर दामोदर, लाइट कलर से दिखा रही हूँ, गंगा में मिल जा रही है। नंबर 16 दामोदर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इज रिवर ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत प्लेटो से निकल करके ऐसे बहते हुए इंडिया नेपाल के बॉर्डर के पैरेलल में बहते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर असम से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है और गंगा में मिल जाती है। एंड देन इट फॉल्स इन टू बे ऑफ बंगाल, दिस इज रिवर ब्रह्मपुत्र। नंबर 17 ब्रह्मपुत्र। सो दीज आर द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और यू कैन से गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। अब चलते हैं साउथ की ओर। साउथ में टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, दिस इज द फर्स्ट वन नर्मदा एंड दिस वन इज तापी। यह है नंबर 18 नर्मदा, नंबर 19 इज तापी। नाउ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द फर्स्ट वन इज महानदी,
जो उड़ीसा में बहती है। उसके बाद है गोदावरी जो महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश से होते हुए वे बंगाल में गिरती है। गोदावरी के बाद अनदर इंपॉर्टेंट रिवर कृष्णा, दिस इज कृष्णा रिवर, यह भी वेस्टर्न घाट से निकल के बे ऑफ बंगाल में गिरती है। कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है विच इज कॉल्ड तुंगभद्रा। तुंगभद्रा यदि एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ से यहाँ तक ही मार्क करोगे, उस समय आप कृष्णा रिवर नहीं दिखाओगे, और यदि कृष्णा आएगा तो आप ये लाइन ही केवल मार्क करोगे, इसे आप छोड़ दोगे। तुंगभद्रा एंड द लास्ट वन इज रिवर कावेरी, यह है रिवर कावेरी नंबर 24, रिवर कावेरी। आपने 24 रिवर्स को इंडिया मैप में मार्क करना सीखा, इंडस ट्रिब्यूटरीज, गंगा उसकी ट्रिब्यूटरीज और साउथ इंडियन रिवर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर यह वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी इजी लगा होगा, सब कुछ समझ में भी आया होगा। ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।